इंटरेस्टिंग बनी है, बहुत टेस्टी बनी है, यम्मी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आजकल मैं बना रही हूँ क्रिसमस रिलेटेड वीडियोस। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज़ देख लीजिएगा। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डाइनिंग टेबल को कैसे मैंने क्रिसमस रेडी किया है। और मैं आपके साथ कुछ बेकिंग कर रही हूँ आज, तो ज़रूर देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सी रेसिपीज आज मैं बेक कर रही हूँ रिलेटेड टू क्रिसमस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ले रही हूँ हाफ अ कप पाउडर्ड शुगर, हाफ अ कप मेल्टेड बटर, 1/4 कप दही और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, उसको डालेंगे छान के। तो लेंगे 1.5 कप मैदा, ये 1 कप हो गया, ये हाफ कप, हाफ अ टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ अ टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, इसको अब हम छान लेंगे। अब इसको मिक्स करेंगे। इसमें डाल देंगे 1/2 कप दूध, 3-4 ड्रॉप्स वनीला एक्सट्रैक्ट के और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा बैटर रेडी है। अब हम अपना केक टिन रेडी करेंगे और ओवन को प्री हीट कर लेंगे 180 डिग्रीज पे। तो मैंने लिया है क्रिसमस ट्री का मोल्ड और इसको मैंने ग्रीस किया है बटर से। आप ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं। तो नीचे मैं डाल रही हूँ कुछ टूटी फ्रूटीज और डाल रही हूँ चोको चिप्स और डाल रही हूँ व्हाइट चोको चिप्स। अब इसको बेक कर देंगे 180 डिग्रीज पे 40 मिनट्स के लिए। तो चलिए ये जो डाइनिंग टेबल है इसमें ले आते हैं क्रिसमस वाइब्स। तो सबसे पहले ये मैं हटाऊंगी और इसको कर लेंगे क्लीन। और जो मैंने आपको ये टेबल क्लॉथ दिखाया था क्रिसमस वाला, इसको बिछा देंगे। सेंटर में मैं प्लेस कर दूंगी एक वाइट प्लांटर। सेंटर में मैं एक टेराकोटा का या किसी का भी आप ले सकते हैं एक ग्लास उल्टा करके रखूंगी और इसके ऊपर रख दूंगी ये कैंडल। और ये जो मैंने आपको दिखाया था और बताया था ये मैं किसी और जगह यूज करूंगी, तो मैं उसको यूज करने वाली हूँ इसके अंदर। बहुत ही प्यारा लग रहा है ना, इसको और प्यारा बनाते हैं। इसमें कुछ रेड ऐड करेंगे। तो इसमें हमने आसपास रेड एलिमेंट ऐड करके एक बना दिया है बहुत ही प्यारा सा सेंटर पीस फॉर डाइनिंग टेबल। तो 40 मिनट्स के बाद मैंने केक को रेस्ट टाइम दिया 10 मिनट्स के लिए और उसके बाद निकाल के ठंडा होने के बाद अब मैं डीमोल्ड कर रही हूँ। क्रिसमस ट्री के शेप में केक एकदम तैयार है। चलिए अब चलते हैं कुछ और बेक करते हैं। तो चलिए आप क्रिसमस के लिए एक ब्रेड बेक कर लेते हैं। उसके लिए मैं ले रही हूँ 3/4 कप दूध ले रही हूँ, ये गुनगुना है, इसको आप हाथों से टच कर पाए इतना गरम होना चाहिए। और मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून चीनी और डालूंगी 1 टेबलस्पून ड्राई इंस्टेंट यीस्ट
इसको हम मिक्स कर देंगे और ढक देंगे 10-15 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे 2.5 कप ऑफ मैदा और ये हाफ। अब हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, और इसको अच्छे से गूंदेंगे। इसको अब हम टक इन करेंगे, ऑलिव ऑयल लगाएंगे और इसको ढक के रख देंगे प्रूफ होने 1 घंटे के लिए। अब मैं इस पे बिछा दूंगी व्हाइट मैट्स। प्लेट्स लगा लेते हैं। तो मैंने चूज किया है रेड और पिंक फ्लावर्स हैं एंड पिंक एंड ग्रीन कलर के लीव्स। अब हम करते हैं नैपकिन अरेंजमेंट। क्रिसमस पे नैपकिन कैसे अरेंज करे जाए उसका एक डिटेल्ड वीडियो है मेरे दूसरे चैनल नीतूज किचन स्टोरीज पे। प्रॉपर वो क्रिसमस रिलेटेड ही है, तो आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये मैंने ऐसे पॉकेट वाला नैपकिन फोल्ड किया है, रख दूंगी मैं इसको और इसके अंदर मैं डाल दूंगी फोक एंड स्पून। ऐसे ही सारे प्लेट्स पे मैं नैपकिन्स अरेंज कर दूंगी और कटलरी रख दूंगी। ये देखिए सब प्लेट्स पे नैपकिन मैंने अरेंज कर दिए हैं। सुंदर लग रहा है ना? तो 1 घंटे के बाद हम चेक करेंगे। ये देखिए राइज हुआ है। अब हम इसके साथ काम करना शुरू करेंगे, तो हम अपनी वर्किंग स्पेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। इसको आधे में करके एक के मैं अलग रख रही हूँ। इसको अब हम एक स्क्वायर में बेलेंगे। ये जो है इसका भी हम एक स्क्वायर बना लेंगे। मिल गए हैं ऐसे 2 ट्रायंगल्स। इसमें से छोटा लेके हम इसका ट्रंक बना देंगे फ्लैट करके लाइक दिस।
इसमें अब हम स्प्रेड कर देंगे पिज्जा सॉस और स्प्रेड करेंगे मोजरेला चीज और इसके ऊपर प्लेस कर देंगे दूसरा वाला ट्रायंगल। अब लेंगे पिज्जा कटर और ऐसे कट्स लगाएंगे। दोनों तरफ से अब इन कट्स को ट्विस्ट कर देंगे ऐसे करके सारे कट्स को हम ट्विस्ट कर देंगे। अब हम इसको ढक के प्रूफ होने देंगे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट्स हो गए हैं। अब हम एक स्प्रे बॉटल लेंगे और स्प्रे करेंगे पानी और अवन को प्री हीट कर लेंगे 200 डिग्रीज पे। इसको अब हम बेक करेंगे 200 डिग्रीज पे 25 मिनट्स के लिए। तो ये हमारी ब्रेड बनके तैयार है क्रिसमस ट्री की शेप में। इसको हम इमिजिएटली निकाल लेंगे वायर रैक पे, नहीं तो ये सॉगी हो जाएगी। इस पे हम ब्रश कर लेंगे ऑयल और इसको थोड़ी देर ढक के रख देंगे। चलिए टेबल भी सज गई है, बेकिंग भी हो गई है, तो पहले टेबल अरेंज करते हैं और उसके बाद खाते हैं। एक क्रिसमस डिश में मैं निकाल रही हूँ थोड़े से चॉकलेट्स। तो मैंने निकाल लिए हैं थोड़े से चॉकलेट्स। चलिए एक बहुत ही झटपट स्नैक बनाते हैं आपकी घर की चीज़ों से ही। तो जो भी घर में पड़ा है ना, चिप्स पड़े हैं, नाचोस पड़े हैं, एनीथिंग, तो मेरे घर में ये पड़ा हुआ है इस वक्त स्नैक लाइट, तो इसी से ही बना देते हैं। पहले मैं डाल रही हूँ एक लेयर स्नैक लाइट की। तो इस पे मैं डाल दूंगी थोड़ा सा मोजरेला चीज और बाकी स्नैक लाइट डाल दूंगी। और इसके ऊपर डाल दूंगी थोड़ा सा चीज थोड़ा सा कलर लाने के लिए मैं इस पे डाल रही हूँ पापरिका। आप चाहें तो कुछ और भी डाल सकते हैं, चेरी टोमेटोज डाल सकते हैं, कुछ नहीं है तो कुछ मत डालिए। हैलपिनो और इसको हम करेंगे माइक्रोवेव जब तक चीज मेल्ट ना हो जाए। अब वो 30 सेकेंड्स में मेल्ट हो रही है या एक मिनट में, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। ब्रेड फ्लावर की मैंने रेसिपी इस बार शेयर नहीं की है। अगर आप रेसिपी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।
तो बेकिंग बहुत कर ली है, मैंने कुछ ड्रिंक के लिए नहीं रखा है, जूस वगैरह आप जरूर रखिएगा और इंजॉय कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग बनी है, बहुत टेस्टी बनी है, यम्मी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने एक्सपीरियंसेस। और आपने डेकोरेट कर लिया, आज जो मैंने बेकिंग की है उसमें से आपकी फेवरेट रेसिपी कौन सी है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आप नए हैं चैनल पे और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक और क्रिसमस वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू।